जो उतार चढ़ाव थे, इमोशंस डिस्क्राइब करिए 3 दिन पहले से लेके आज तक। सर मेरा मतलब जो क्वालिफिकेशन था मतलब वो अच्छा नहीं गया, क्योंकि मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे, बट नहीं हो रहा था उस दिन, पता नहीं क्या हुआ एकदम से, वो सारा कुछ काफ़ी मतलब बैड लक ही था वो उस दिन तो बिल्कुल ही। और उसके बाद फिर दोबारा मतलब घर पे बात करी, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को हर एक चीज़ से, और मतलब काफ़ी मतलब फ्रेंड्स से बात करी उस टाइम पे एंड और वो सारा कुछ, तो उन्होंने नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर किया और काफ़ी अच्छा था, और प्रेशर भी था आज और, बट उस चीज़ को मैंने मतलब हैंडल कर लिया। ये करियर आप यहाँ से कहाँ देखते हैं, बिकॉज अगर ये नहीं होता तो शायद आगे मतलब मुश्किल होती और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। नहीं सर ऐसी बात नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती, अपना नेक्स्ट टाइम भी अपना बेस्ट दूंगा, जो उनसे भी अपकमिंग मैचेस रहेंगे अभी, इसके बाद सीधा नेशनल ही है इंडिया में जाके, और उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड कप एंड ऑल वो सारा कुछ। जब मेडल आप कंफर्म हो गया तो आपको अपनी वो 16 साल से जब आप वो भीम से अम्बाला की एकेडमी में जाते थे और पेरेंट्स का सैक्रिफाइस, ऐसा कुछ याद आया दिमाग में जब मेडल कंफर्म हो गया था? सैक्रिफाइस तो मतलब क्वालिफिकेशन के बाद ही मतलब सारा कुछ याद आ रहा था कि लिटरली मतलब उस टाइम से और अब तक वो सारी जर्नी एंड ऑल वो सारा कुछ, तो फिर उसके बाद काफ़ी मोटिवेशन मिली वो सारा कुछ सोच के एंड अच्छा था काफ़ी। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टीम के लिए प्रिपेयर हुआ, फिर पोडियम बेस्ट देना है। जब पोडियम पे थे, पोडियम पे तो इतना कुछ था ही नहीं क्योंकि काफ़ी हैप्पी वाला सीन था वो, दैट्स इट, और कुछ नहीं था।